हाय गाइस, दिस इज़ महेंद्र गुप्ता और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग आज ये सीखेंगे कि आर्डिनो को उबंटू पे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग आर्डिनो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर हमको arduino.cc की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। देन फिर ये जो आर्डिनो फाइल आपको दिख रहा है, इस आर्डिनो फाइल को रन करने के लिए हम लोग एडिट में प्रेफरेंस मेन्यू में जा करके बिहेवियर में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वाला मेन्यू सिलेक्टेड मिलेगा, व्यू एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट फाइल व्हेन दे आर ओपन, बट हमको इसको आस्क ईच टाइम यूज़ करना है ताकि हम लोग इसको रन कर सकें या जो भी हमको कमांड्स यूज़ करना है वो कर सकें। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको एक मेन्यू दिखेगा, डू यू वॉन्ट टू रन आर्डिनो और डिस्प्ले इट्स कंटेंट। हमको इसको रन करना है। जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद टूल्स में जाकर के हम लोग हमारा जो मेन आर्डिनो मेगा बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, आर्डिनो मेगा जेन्युइन 2560। देन अगेन हम लोग टूल्स में जाकर के जो हमारा कॉम पोर्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हम लोग सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको नो लाइन एंडिंग वाला पार्ट दिखता है। इसको हम लोगों को बोथ एनएल एंड सीआर पे कनेक्ट करना है एंड यहाँ पे बॉड रेट में हमको सिलेक्ट करना है 9600 बॉड रेट। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमको यहाँ पे कुछ डेटा शो करना चाहिए जो कि आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट अभी हमको कोई डेटा नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको जो सीरियल पोर्ट हमने कनेक्ट किया है उस सीरियल पोर्ट को उबंटू पे अटैच करना होगा। उसको अटैच करने के लिए हम लोग जहाँ पे हमने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ पर जाकर टर्मिनल ओपन करेंगे और उसके लिए कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स हमको रन करना है। sudo कमांड है हमारा, sudo chmod स्पेस a+rw स्पेस जो कॉम पोर्ट हमको वहाँ पे असाइन हुआ था वो /TTY-ACM0 ये कॉम पोर्ट हमको असाइन हुआ था। देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस अगर हमने उबंटू पे कोई पासवर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है, तो हमको यहाँ पे उसका पासवर्ड इंसर्ट करना होता है। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड इंसर्ट नहीं किया हुआ है इसलिए हमको यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग जब फिर से आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, यहाँ राइट हैंड साइड टॉप पे हमको सीरियल मॉनिटर ओपन करने के लिए आइकन दिया हुआ है, सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला है। स्टार्टिंग में हमको एक एट द रेट मिला है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ABC कंट्रोलर बोर्ड है उस पर हम लोगों ने SD कार्ड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर हम लोग SD कार्ड कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको एट द रेट की जगह एंड का सिंबल दिखेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको इंस्ट्रक्शन मिला है टू सेट योर IP एड्रेस, प्लीज़ एंटर योर IP एड्रेस फॉलोड बाय हैश। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से IP एड्रेस एंटर करते हैं, 192.168.24.54। ये एक रैंडम IP एड्रेस हमने लिया हुआ है और फॉलोड बाय हैश हमने यहाँ पे लगाया है। इस कमांड को हमने सेंड किया तो यहाँ पे हमको जो IP एड्रेस था और गेटवे असाइन हुआ था वो हमको मिल गया, 192.168.24.54 एंड जो गेटवे मिला है हमको वो है 192.168.24.1। प्लस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे ही इसको IP एड्रेस असाइन हुआ इसने हमको कुछ डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ 11:21 कंटिन्यूसली ये 11:21 हमको सेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो PC है या जो हमारा सिस्टम है वो कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर रहा है, इसमें इट मीन्स हमको इस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, जैसे ही कोई व्हीकल क्रॉस होगा तो हमको यहाँ पे ABC स्ट्रिंग मिल जाएगा। इन केस अगर हमको कभी इसका IP एड्रेस रिसेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में जो ABC कंट्रोलर बोर्ड होता है उसमें एक ब्लू कलर का PCB लगा हुआ है जिस पे आर्डिनो मेगा लिखा हुआ है। उस PCB पे एक रेड कलर का स्विच है, उस रेड कलर के स्विच को हम लोग जब प्रेस करेंगे तो आर्डिनो हमारा कंट्रोलर जो होता है वो रिसेट हो जाता है। रिसेट होने के बाद में हमको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, टू रिसेट योर IP एड्रेस प्रेस R और टू स्किप दिस प्रोसेस प्रेस S। तो यहाँ पे हमको कैपिटल R प्रेस करना है, उसको हमने सेंड किया तो यहाँ पे हमको दिख रहा है स्क्रीन पे इरेजिंग योर IP एड्रेस डन। देन टू सेट योर IP एड्रेस प्लस इंटर योर IP एड्रेस फॉलोड बाय हैश। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नया IP एड्रेस डाल देते हैं, 192.168. लास्ट टाइम हमने लिया था 25.54, अभी हम लोग 24.68 ले लेते हैं।
देन फॉलोड बाय हैश। हैश लगाना कंपलसरी है जो कि इसका सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने उसको सेंड किया, यहाँ पे उसको आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है 192.168.24.68। देन अगेन उसने हमको डेटा देना स्टार्ट कर दिया 1121 1121 के सीक्वेंस में। दैट्स इट, थैंक यू।